हरे कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसमें हम बात कर रहे हैं हरिनाम की। और हमारा शुरू हुआ था ये सीरीज कि हरिनाम क्यों करना है, और इससे पहले जो है हम बात कर रहे हैं नामाभास की। नामाभास क्या होता है? देखिए, नाम तो भगवान का जो शुद्ध नाम है उसको लेना होता है नाम, लेकिन नामाभास क्या है? नामाभास ये है कि जो जैसे मरुभूमि है, अब मरुभूमि में दूर देखो तो आपको पानी दिखाई देता है, और जब पास में जाओ तो वो पानी अंतर्ध्यान हो जाता है, होता ही नहीं वहाँ पे कोई पानी, फिर वो और थोड़ा आगे दिखाई देगा, फिर आप आगे जाओ फिर वो पानी गायब हो जाता है। तो जो वो पानी का आभास है वो, और वो सचमुच की पानी नहीं है। ऐसे ही भगवान का नाम का जो आभास है उसको कहा जाता है नामाभास। तो जो भगवान का नाम का आभास क्या है, जैसे कोई है उनके बेटे का नाम है गोविंद। अब गोविंद जो है श्री कृष्ण का ही नाम है, तो जब वो उस बच्चे को बुलाते हैं गोविंद गोविंद कह के, वो जो है नामाभास है, नाम नहीं है, नामाभास। लेकिन देखिए, कोई दूसरे वस्तु का आभास जो है वो कोई भी कृपा नहीं करता है, कोई भी काम नहीं आता है। अब पानी नहीं है तो वहाँ पे पानी दिखाई भी दे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाएगा वो। लेकिन भगवान का जो नाम है, जो नामाभास है, वो हमारे ऊपर कृपा करता है। और जो अज्ञान व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनके शास्त्र के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है शास्त्र क्या होता है, ऐसे लोगों को भी नामाभास जो है कृपा कर जाता है। तो भगवान अपने नामाभास के जरिए असीम करुणा प्रदान करते हैं, और जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक प्रगति होता है, और धीरे धीरे उसके मन में भी श्रद्धा उपजने लगता है। और जब श्रद्धा उपजता है, धीरे धीरे श्रद्धा से वो भक्ति की तरफ जाने लगता है। और ये नामाभास जो है चार प्रकार की है। पहला है सांकेत्य नामाभास, दूसरा है परिहास नामाभास, और तीसरा है स्तोभ नामाभास, और चौथा हेला नामाभास। तो एक एक नामाभास के बारे में हम जानेंगे, और ये क्या होता है, और ये कौन सी शास्त्र में लिखा है कि ये इस प्रकार का नामाभास है, और इसका क्या हमारे ऊपर फल होता है, क्या हमारे ऊपर उसका तो पहला है सांकेतिक नामाभास। सांकेतिक नामाभास वो नामाभास है जो भगवान का प्रत्यक्ष नाम ना होके परोक्ष नाम से हम भगवान को पुकारते हैं। जैसे अजामिल ने अपनी बेटे को पुकारा था नारायण नारायण, तो वो जो है हरे कृष्णा महामंत्र नहीं था, वो जो है भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं था, लेकिन उसने क्या करा था, किसी वस्तु या किसी दूसरे जन का नाम, जैसे भौतिक कोई संबंध का नाम, उसका बेटे का नाम था, ऐसे ही कोई भौतिक संबंध या कोई भौतिक वस्तु का नाम से जब भगवान के नाम लिया जाए, प्रत्यक्ष रूप से ना लेके परोक्ष रूप से लिया जाए, तो उसको सांकेतिक नामाभास कहा जाता है। अच्छा, परिहास नामाभास, देखिए परिहास नामाभास वो है जैसे कोई व्यक्ति अपने कोई कृष्ण भक्त वाली दोस्त है, उसको सहेली है, उसको जो है परिहास कर रहा है, परिहास में ही कह रहा है कि तुम्हें तो संसार से कोई लेना देना नहीं, भौतिक संसार से, हम इतने अच्छे पार्टी करते हैं, हम इतने अच्छे पिकनिक जाते हैं, हम इतने अच्छे घूमने जाते हैं, तुम तो बस पूरा दिन हरे कृष्णा यही करते रहो, और तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो कृष्ण भक्त क्या बन गए, तुम तो दुनिया से ही बाहर हो गए। ऐसे करके जो नए नए भक्त है, उनके दोस्त है, उनके रिश्तेदार है, ये सब जो है ना परिहास करते हैं, लेकिन परिहास करते हुए भी वो भगवान का नाम लेते हैं, और वो उदाहरण देने के लिए या उल्हाना देने के लिए जो ये नाम लेते हैं उसका भी असर उनके ऊपर होता है। नाम जो है, यही नामाभास जो है, उनके ऊपर कृपा करके उनको भक्ति की तरफ जो है आध्यात्मिक प्रगति देता है।
इतनी बड़ी बात है ना, भगवान का नाम तो नहीं नामाभास भी लाभ दे रहा। और तीसरा है स्तोभ नामाभास। देखिए स्तोभ नामाभास वो है कि जैसे कोई जिसका नाम की तरफ कोई श्रद्धा नहीं है, उपेक्षा के भाव से, और जैसे किसी को टीज करने के लिए कोई बोल रहा है, तब भी जैसे बोलते हैं ना, अरे वो तो हरे कृष्णा वाले हैं, जब देखो हरे कृष्णा का जाप जब रटते रहेंगे बस, ये तो हरे कृष्णा वाले हैं। और कोई कभी जाके कहता है प्रभु जी माता जी ये भगवद गीता ले लो, तो कोई भी भक्त हो अगर जाके कहता है ना, तो देखना फिर कहेंगे कि अरे तुम तो वो हरे कृष्णा वाले हो, अरे अरे नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए भगवद गीता, जाओ जाओ ये हरे कृष्णा वाले सब पीछे ही पड़ जाते हैं, बस भगवद गीता ले लो, भगवद गीता ले लो, है हमारे पास भगवद गीता, हमें नहीं चाहिए। तो ये जो हरे कृष्णा वाले बोलते हैं ना, इससे भी उनका उद्धार ही होता है, नाम उनके ऊपर करुणा कर जाते हैं, और जो परोक्ष भाव से ही सही और जो श्रद्धा से ना करके उपेक्षा के भाव से ही सही अगर नाम लेते हैं तो उनके ऊपर भी नाम जो है कृपा करने लगते हैं। इसके बाद जो चौथा नामाभास है वो है हेला नामाभास। देखिए हेला नामाभास उसको कहा जाता है जैसे कोई बहुत ही अवहेलना पूर्वक भगवान का नाम लेता है, भगवान को बहुत ही जैसे कोई भगवान का नाम को बहुत ही अनादर पूर्वक लेता है। वो कुछ लोग है ना कहते हैं अरे तुम्हारे कृष्ण तो छलिया है, अरे तुम्हारे कृष्ण तो गोपियों के साथ रास करते थे और माखन जो है चुरा चुरा के खाते थे तुम्हारे कृष्ण, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो अनादर पूर्वक भगवान का नाम बोलते हैं। देखो प्रेम से बोलना और अनादर पूर्वक बोलना अलग होता है, लेकिन चाहे अनादर पूर्वक भी बोले कोई तो नाम उसके ऊपर कृपा करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रगति होने देते हैं। तो देखिए चाहे वो नामाभास ही सही, नाम ना लेके प्रत्यक्ष तरीके से नाम ना लेके परोक्ष तरीके से भी कोई अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवान का जो नाम है वो उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि नामाभास के क्या क्या लाभ है। देखिए ये जो नामाभास है ये आपको कृष्ण भक्ति तक ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का शुद्ध नाम लेना होगा, और जब हम भगवान का शुद्ध नाम लेने लगते हैं तो ये नामाभास का कृपा भी आगे हमारे काम आ जाते हैं। और जब ये नामाभास की जो लाभ है उसके बारे में हरिनाम चिंतामणि में लिखा हुआ है कि ये जो है नामाभास, ये नामाभास के कारण कलयुग के दुर्गुणों से मुक्ति मिलता है, और ये नामाभास जो है सारे पापों का क्षय कर देता है। नामाभास से क्या लाभ होता है? देखिए नामाभास से ये लाभ होता है कि समस्त पापों का नाश हो जाता है और कलयुग के दुर्गुणों से मुक्ति मिलती है। और तीसरा जो है नाम के कारण, नामाभास के कारण भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। और चौथा है जैसे दुष्ट ग्रह है या भूत प्रेत है उनसे मुक्ति मिलती है। और पांचवा है मन को संतोष और शांति मिलता है। और छठा है आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सातवा है निरपराध भाव से नामाभास करने से वैकुंठ वास प्राप्त होता है। निरपराध भाव से जब हम नामाभास ही करने लगते हैं तो वैकुंठ वास मिलता है। तो देखिए ये सब जो है ना नामाभास की करुणा है, कृपा है, भगवान अपने नाम में सब कुछ दिए हैं, लेकिन जो परोक्ष भाव से भी भगवान का नाम लेता है जिसे हम नामाभास कहते हैं वो भी हमारे ऊपर करुणा करते हैं। तो आगे देखेंगे हम निरपराध भाव क्या होता है और निरपराध भाव से नाम कैसे लेना चाहिए। हरे कृष्णा, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।